और शुरुआत करते हैं लखनऊ के पास बाराबंकी के हाईटेक किसान रामशरण शर्मा की कामयाबी की खबर से। रामशरण शर्मा ने 1986 में 6 एकड़ जमीन से खेती की शुरुआत की थी। आज उनके पास 150 एकड़ जमीन है। सिर्फ खेती से उनकी आमदनी सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। रामशरण शर्मा कहते हैं कि फसल चक्र को अपनाकर कब क्या खेती की जाए, इसका पता रहने पर खेती फायदे का सौदा साबित होगी। सिर्फ रामशरण शर्मा का फार्म हाउस देखने दूर दूर से लोग आते हैं। अब सुखद तस्वीरें और खबर श्रीनगर से। घाटी में स्वादिष्ट और रसीली चेरी की फसल से चेरी उगाने वाले किसान काफी खुश हैं। इस साल चेरी के फलों की क्वालिटी काफी बेहतर है, जिससे किसानों को ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद है। स्ट्रॉबेरी की खेती की कामयाबी के बाद अब चेरी की बंपर फसल ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा की आज से शुरुआत हो गई। 59 सदस्यों का पहला दल मंगलवार सुबह दिल्ली से चलकर काठगोदाम पहुंचा, जहां कुआउनी रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत किया गया। काठगोदाम से ये जत्था अल्मोड़ा रवाना हो गया। इस दल में 42 पुरुष हैं और 17 महिला यात्री हैं। इस बार कुल 18 दल कुमाऊं के रास्ते मानसरोवर यात्रा करेंगे। ले से आई ये तस्वीरें आपको खूबसूरत एहसास देंगी। 2 दिन का सालाना लामा यूरू मोनेस्ट्री उत्सव शुरू हो गया है। अपनी बनावट के लिए मशहूर इस मोनेस्ट्री का ये उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। अरहंत निमागुंग के इस जगह बसने के बाद यहाँ मोनेस्ट्री की शुरुआत हुई थी। इस उत्सव को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। विदेशों से भी सैलानी इस खास मौके का हिस्सा बनने पहुँचते हैं। लखनऊ में एयरपोर्ट की तरह लगने वाले आलमबाग बस अड्डे का कल सीएम योगी ने उद्घाटन किया। 235 करोड़ की लागत से बने इस बस अड्डे में 6 स्क्रीन वाला थिएटर भी बना है। 125 कमरों का एक होटल बना है, जिसका किराया ऐसा रखा गया है कि आम लोग भी यहां ठहर सकें। यहां से 700 बसें चलाने की तैयारी है। मॉल की पहली मंजिल पर बड़ा सा फूड कोर्ट भी बनाया गया है। अब सुखद तस्वीरें केरल के एर्नाकुलम से। एर्नाकुलम में दक्षिणी रेलवे वहां के लीगल सर्विस अथॉरिटी ने यहां मिलकर बाल श्रम के खिलाफ हाथ मिलाया है। इन लोगों ने युवाओं के साथ हाथ मिलकर एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर फ्लैश मॉब के जरिए लोगों को बाल मजदूरी के खिलाफ गाने से संदेश दिया। आप भी देखिए बाल मजदूरी के खिलाफ संगीत के ये संदेश। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।